माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेंपल। मेरे दादी जी हमेशा मेरे नाल स्कूल जाते क्योंकि स्कूल और गुरुद्वारा इकट्ठे ही सन। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। उतों के ग्रंथी सानू ऊड़ाड़ा सिखाते, सवेर की प्रार्थना भी सिखाते। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in course. जब तक के बच्चे वरांडे दे दोनों पासे बैठदे ते इकट्ठे उड़ा एड़ा अते प्रार्थना करदे, my grandmother sat inside reading the scriptures। मेरे दादी जी गुरुद्वारे अंदर बैठ के पाठ करदे। When we had both finished, जदों असी दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेंदे सा, we would walk back together। असी इकट्ठे घर वापस जांदे। This time, the village dogs would meet us at the temple door। इस समय पिंड दे कुत्ते सानू गुरुद्वारे दे दरवाजे ते मिल जांदे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for chapatis that we threw to them। ओह, एक दूजे नाल लड़दे, एक दूजे नूं गुर्रांदे कादे वास्ते, जिहड़ियां चपातीस असी उहनां वास्ते लैके आए सी ते उहनां अगे सुट्टदे सी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जदों मेरे मम्मी डैडी बड़े वधिया तरीके नाल शहर विच सैटल हो गए तो उन्होंने सानू भी बुलाया। That was a turning point in our friendship। यह मेरी अते दादी माँ की फ्रेंडशिप दे विच एक मोड़ सी। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। चाहे हुण असी इकट्ठे शहर विच एक कमरे च रहिंदे सी, पर मेरे दादी जी हुण मेरे नाल स्कूल नहीं आंदे सन। I used to go to an English school in a motor bus। मैं अक्सर English medium school विच हुण बस ते जाया करदा सी। There were no dogs in the streets। उत्थे हुण गली विच कोई कुत्ते नहीं सन। And she took to feeding sparrows in the courtyard for our city house। ते उन्हानू हुण साडे शहर वाले घर दे वेड़े विच चिड़िया नू ही दाने खवाने पैंदे। As years rolled by, साल दर साल बीत दे गए, we saw less of each other। असी एक दूजे नू घट ही मिलदे सां। For some time she continued to wake me up and get me ready for school। कदी कदी ओ ए रूटीन जारी रख दे कि मैनू उठाना अते स्कूल लई तैयार करना। When I came back, जो मैं घर वापस आंदा सी, she would ask me what the teacher had taught me। तां मेरे को पुछया करदे सी कि आज टीचर ने तैनू की पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of western science and learning। मैं उन्हां नू कुछ इंग्लिश दे वर्ड्स दसदा अते पछमी विज्ञान बारे दसदा जो मैं उत्थे सीख के आंदा। The law of gravity, गुरुता खिच दा सिद्धांत, Archimedes principle, the world being round, etc। मैं ये सारिया साइंटिफिक गल्लां उन्हां नू दसदा। This made her unhappy। ये गल्लां उन्हां नू उदास कर देंदियां। She could not help me with my lessons। ओह, मेरे लैसन विच हैल्प नहीं कर पांदे सन। She did not believe in the things they taught at the English school। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਟੀਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ। ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। One day I announced that we were being given music lessons। एक दिन मैं उन्होंने आके दसिया कि सानू हुण म्यूजिक लैसन मिलने शुरू हुए हैं। She was very disturbed। ओह, बहुत डिस्टर्ब हो गए। To her, music had lewd associations। लूड होंदा अशिष्ट, अपद्र, जिहड़ा कि चंगा ना होवे। उन्हां लई संगीत अशिष्टता नाल जुड़िया होया सी। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk।
हालट सुंदे है वेशवावां उन्हां दे विचार अनुसार इस उत्ते भिखारियां अते वेशवावां दी मनोपली है यानी कब्जा है ये उन्हां वास्ते बनिया है नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक अते इज्जतदार लोकां लई यह नहीं बनिया शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल उन्होंने कहा कुछ नहीं पर उन्हां दी चुप अप्रवानगी का प्रतीक सी She really talked to me after that. उस तो बाद में ना कट ही गल करदे सन When I went up to the university, जो तो मैं अग्गे पढ़न ली यूनिवर्सिटी गया I was given a room of my own. मैनू मेरा एक अलग कमरा दे दिता गया सी The common link of our friendship was snapped. Snapped होंदा टुट जाना किसी रिश्ते विच दरार आ जानी कड़कड़ाहट भर जानी कट जाना उन्हें कहते ने स्नैप्ड हो गया सो मेरी अते दादी अम्मा दी फ्रेंडशिप दे विच जो एक कॉमन लिंक सी वो कॉमन लिंक केड़ा सी एक सांझा कमरा ते वो भी हुण कमरा उहदा अपना एक अलग हो गया सी सो वो भी जिहड़ा कॉमन लिंक सी वो हुण स्नैप्ड हो गया कट हो गया My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरे दादी जी ने अपनी तनहाई अपना इकल्लापन सारियां तो अलग होके स्वीकार कर लिया सी. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel होंदा चरखा. ओह किते किते ही अपना चरखा छड़दे सी जदों उन्होंने किसी नाल गल करनी हुंदी सी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सवेर तो शाम तक सूरज उगण तो सूरज छिपण तक वह अपने चरखे दे कोल बैठे रहंदे अते पाठ करदे रहंदे. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहरे ही वह कुछ देर आराम करदे वह भी चिड़िया नूं दाणा खवाण लई. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, जदों ओह वरांडे विच बैठे सी अते ब्रेड तोड़ रहे सी छोटे छोटे टुकड़ियां विच, hundreds of little birds collected around her. किन्ने ही छोटे पंछी उन्हां दे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए सन creating a veritable bedlam of chirping. So veritable हुंदा सच्चा यथार्थ असली ओके बैडलम हुंदा हंगामा उची उची शोर मचाना कादा बैडलम सी ऑफ चर्पिंग चिड़िया दी चहक दा सो चिड़िया चहक रही सन पर हाई नोट ते ओके जदों दादी अम्मा वेड़े विच ब्रेड दे टुकड़े कर रहे हुंदे ते तां सैकड़े ही चिड़िया अपने मन दे सच्चे भाव नाल कि उन्हां नूं भुख लगी हुई है ओह उन्हां कोल आंदियां अते चहचहांदियां सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लैग्स कुछ आंदियां अते उन्हां दियां लैग्स उत्ते ही बैठ जांदियां अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ उन्हां दे मोढ़ियां ते बैठ जांदियां सम ईवन सैट ऑन हर हैड कुछ उन्हां दे सिर ते बैठदियां शी स्माइल्ड बट नैवर शूट दैम अवे ओह मुस्कुराउंदे सन उन्हां नूं देख के पर उन्हां नूं कदे भी उड़ांदे नहीं सन इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर यह अक्सर उन्हां लई दिन दा सब तो खुशनुमा अद्धा घंटा हुंदा सी When I decided to go abroad for further studies, जदों मैं फैसला किया अगलेरी पढ़ाई वास्ते बाहर जाने लई I was sure my grandmother would be upset. मैनू पक्का यकीन सी कि मेरे दादी जी अपसैट हो जाएंगे I would be away for 5 years. मैनू 5 साल लई दूर जाना पैना सी And at her age one could never tell. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਕੁਡ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਈਵਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਲੀਵ ਮੀ ਐਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਏ ਬਟ ਡਿਡ ਨੋਟ ਟਾਕ ਔਰ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹਰ ਲਿਪਸ ਮੂਵਡ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਮਾਇੰਡ ਵਾਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਹਰ ਫਿੰਗਰਸ ਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਬੀਡਸ ਆਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸ਼ੀ ਕਿਸਡ ਮਾਈ ਫੋਰਹੈਡ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਲੈਫਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਈ ਚੈਰਿਸ਼ਡ ਦ ਮੋਇਸਟ, ਮੋਇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਮੀ, ਮੈਂ ਨਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਮਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੱਪ ਗਈ ਸੀ, ਐਜ ਪਰਹੈਪਸ ਅ ਲਾਸਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਛਾਪਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਸਾਈਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ।